दोस्तों आज के इस सफर में आपको खूब मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे धमाकेदार और फनी एड्स दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी कहेंगे ओ भाई मारो मुझे मारो, क्योंकि वहां के एड्स डबल मीनिंग से भरे हुए हैं। फिर चाहे एड किसी कॉन्डम का हो या फिर नहाने के साबुन का, तो ये मजेदार एड्स देखने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। Factify, facts on your face. जोश कॉन्डम। दोस्तों इस एड में आपको एक खूबसूरत लड़की दिख रही है, जो सामने वाले को ये बता रही है कि वो अपने पति से 10 दिनों के बाद मिल रही है। वो हम 10 दिन बाद मिल रहे हैं ना? फिर ये मोहतरमा एक मेडिकल स्टोर पर जाती है, जहां वो ठंडा मांगती है, लेकिन जब दुकानदार उसे ठंडा देता है तो वो कहती है कि उसे वो ठंडा चाहिए जिससे वो कुछ तूफानी करे। ये ठंडा नहीं, असल वाला, जिससे मैं करूंगी प्र, प्र, प्र। वहीं एक दूसरी एड में पति पत्नी को चाय देता है, लेकिन पत्नी कहती है इस घर में सिर्फ ठंडा चलेगा। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रिएटिविटी से भरे इस एड में मैडम जी एक कॉन्डम का प्रमोशन कर रही है। होटल वेटर को पैसे देने के लिए पर्स चेक करो तो कॉन्डम की बारिश, एयरपोर्ट पर बैग चेक करो तो भी कॉन्डम से भरा हुआ, मतलब एड के नाम पर कुछ भी। इस तरह के फुली डबल मीनिंग एड्स को सेंसर बोर्ड भी पास कर देता है। एक्सक्यूज मी आप भी, एक्सक्यूज मी आप भी। दोस्तों ये है पाकिस्तान के शेखों के शेख वसीम हसन शेख, जो पप्पू टी स्टॉल का नाम लेकर लड़कियों को अपना दीवाना बना लेते हैं, और जब बीन बजाते हैं तो सांप की जगह बर्गर्स निकलते हैं। असल में ये पाकिस्तान के अलग अलग रेस्टोरेंट्स के लिए एड बनाते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट को अगर आप भी देख लें तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। एक एड में लड़की कहती है कि उसे इमरान बहुत पसंद है और वो उसको खुद से अलग नहीं कर सकती, और उसके बिना नहाने की सोच भी नहीं सकती। हाँ मैं भी इमरान की दीवानी हूँ, मैं इमरान के बिना नहाने का सोच भी नहीं सकती, मैं नहाती हूँ तो सिर्फ इमरान के साथ। अब यहाँ आप इससे पहले कुछ और सोचें तो बता दूं कि इस एड में इमरान नाम के साबुन की बात हो रही है। दोस्तों पाकिस्तान का ये एड किंग अपनी ऊट पटांग एड्स को लेकर इतना पॉपुलर है कि कैरी मिनाटी भी इसे रोस्ट करने से नहीं रोक पाए, और उसके बाद तो ये एड बादशाह एक्सक्यूज मी आप भी के नाम से इंडिया में भी मशहूर हो गया। यूफोन एड्स। दोस्तों जो एड अभी आप देखने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क कंपनी की, जो न्यूटन की ग्रेविटी के साथ साथ फिजिक्स के कई लॉज को चैलेंज करती दिखाई देती है। यहाँ इस एड में एक आदमी बार बार पूछता है कि यूफोन की साफ आवाज का क्या मतलब है। फिर क्या, उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ा और चलते एरोप्लेन का गेट खोलकर कूद गया, और फिर उसे कॉल करके डेमो देने लगा कि देखो यहाँ भी हम एक दूसरे से साफ साफ आवाज में बात कर सकते हैं, मतलब कि फोन का नेटवर्क चेक करना हो तो प्लेन से कूदना जरूरी है। हालांकि दोस्तों इस तरह के एड्स हमारे इंडिया में भी बनते हैं, जहां ऋतिक भाई माउंटेन ड्यू का एक घूंट पीकर बुर्ज खलीफा के टॉप से भी बाइकिंग करते नजर आते हैं। ओए होए। दोस्तों इस एड में सभी दोस्त अपने एक दोस्त से उसकी खुशी का राज पूछते हैं, और वो खुश होकर बताता है कि आज उसे एक लड़की ने एक पर्ची दी, जिसके बाद वो रेडी होकर उसके घर पहुंच गया, जहां लड़की उसका इस कदर इंतजार कर रही थी कि लड़के के बेल बजाने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद लड़का लड़की को गोभी का फूल ऑफर करता है, जिसे देखने के बाद लड़की गुस्से में पूछती है कि टींडे और मिर्ची कहाँ है। और टींडे? टींडे? टींडे भी लाने थे? हाँ? माने कि लड़की ने उसे पर्ची में प्यार भरा लेटर नहीं बल्कि घर के सामान की लिस्ट दी थी। अब ये वाक्या सुनकर आपके दिल से भी ओए निकला होगा, और दोस्तों इस एड का स्लोगन भी यही है कि लाइफ में ओए और चिप्स में सिर्फ ओए होए। देखा जाए तो ये एड काफी फनी है, साथ ही क्रिएटिव भी। मैकडॉनल्ड्स। दोस्तों डबल मीनिंग और लॉजिकलेस चीजों के दीवाने पाकिस्तानी एड मेकर ज्यादा देर तक क्रिएटिविटी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कम मेहनत में जब डबल मीनिंग स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है तो ज्यादा मेहनत क्यों ही करनी। अब इस एड को ही देख लीजिए, जहां सुहागरात में पति पूछता है बताओ ना, तो पत्नी बोलती है पहला प्यार तो भुलाए नहीं भूलता, जब बुलाओ तब आ जाता है। इस पर पति गुस्से में पूछता है कि कौन है वो, लड़की धीमे से बोलती है नंबर दे दूं क्या,
अब यहाँ तक देखकर आपको भी लग रहा होगा कि भाई साहब का तो सुहागरात में ही कांड हो गया। लेकिन जैसे ही लड़की नंबर बताती है तो लड़का खुशी से बोलता है, मैकडोनल्ड्स। खैर दोस्तों, इस एड को देखकर विश्वास नहीं होता कि मैकडोनल्ड्स भी ऐसे बेसिर पैर वाले एड को फंड कैसे कर देता है। और फिर अपनी सुहागरात में मैकडोनल्ड्स को अपना पहला प्यार बताता कौन है? पहला प्यार हमेशा याद रहता। खैर ये पाकिस्तान है तो कुछ भी होना पॉसिबल है। चिकन खिला दो तो दो दो बीवियां भी हैंडल हो सकती हैं, और जिससे लड़की न पट रही हो उसके लिए पप्पू टी स्टॉल तो है ही। बाकी यही तक था पाकिस्तान के इन फनी एड्स का आज का सफर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। खैर मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।